हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन? आई होप सो। देखिए बेटा, मैंने आज ये जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, मुझे लगा कि एक मैं आपको एक जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो डिटेल में आपको समझा देती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन जब तक आप मेरी वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, आपको इसका पैटर्न बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको पेपर को पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप उसे समझोगे कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सेक्शन वाइज पूरा डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में कोशिश की है समझाने की क्वेश्चन पेपर। तो प्लीज इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए, अगर आपको अपना एग्जामिनेशन पैटर्न समझना है तो। ठीक है बच्चे, तो इस तरह मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं किसी तरह आपके काम आ सकूं, तो प्लीज। और हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करके डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपको समरीज भी पूरी देखनी पड़ेगी फिर से, क्योंकि समरीज कहीं ना कहीं रिलेटेड है सारी इन सब क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चे, तो चलिए लेट अस डिस्कस आवर क्वेश्चन पेपर। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। लॉर्ड, यू आर माय होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, फार मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। लेंड ईयर टू माय वेलिंग्स एंड प्लीज क्योर मी ऑफ ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. ये पैसेज आपने देखा, ये आपके बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपने सभी वीडियोस को पहले ध्यान से पढ़ा है, वॉच किया है, तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि ये जो पैसेज है कौन सी पोएम का है। तो ऑब्वियसली ये प्रेयर का है। अब इसकी एक्सरसाइजेस देखिए, लुक एट द एक्सरसाइज, कैसे ये समरी आएगा इसका। ऊपर ये पैसेज दिया होगा, 1.1 पार्ट में दिस पोएम इज एड्रेस टू डैश। यहाँ नंबरिंग लगी है ना, नंबर वन। आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स खुद से भरनी है। द पोएट मेक्स सर्टन विशेस टू द डैश, टू नंबरिंग लगी है। ही डैश टू गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ डैश, फोर नंबर लगा है। He wants God to dash, 5 number laga hai. Him with the nectar of dash, 6 number laga hai. He wants to remain free from idleness and weakness. ठीक है, तो ये 1.1 part इस तरह आपको इसकी summary दी जाएगी, लेकिन जो ये 6 filling the blanks है ये आपने खुद भरने हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको बार बार बोलती रही हूँ कि आप summary watch कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली देखिए, दिस पोएम इज एड्रेस टू किसको, आपने पढ़ी है पोएम, आपको पता है कि ये पोएट ने ये पोएम किसको एड्रेस की है, गॉड को। तो यहाँ पे आएगा गॉड। द पोएट मेक सर्टन विशेज टू द, वो विशेज भगवान से ही मांग रहा है, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, ऑल माइटी गॉड। ही डैश टू गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ डैश, वो क्या कर रहा है, भगवान से प्रे कर रहा है। तो थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, ही प्रेज टू गॉड To lead him to the path of truth, कि मुझे सच्चाई के रास्ते पे लेके चले। ठीक है ना, तो he wants God to dash him with, मतलब क्या चाहता है भगवान से, क्या चाहता है, पार, POUR, पार, वो फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स, him with the nectar of, सिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा नॉलेज। ठीक है बच्चे, तो इस तरह ये सिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करनी है। उसके बाद आगे चलो, 1.2 पार्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है आपकी ए सेक्शन में। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं। द पोइट यूजेस सर्टन एक्सप्रेशंस इन द पोइम टू सजेस्ट व्हाट ही वुड डिजायर टू हैव। देयर आर सम सजेशंस गिवन बिलो, चूज वन सजेशन दैट बेस्ट फिट ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द टेबल एंड राइट द आंसर अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक ऑन योर आंसर स्क्रिप्ट। अब देखिए, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में तीन एक्सप्रेशंस दी गई हैं, ड्वेल, ट्रस्ट, लीड। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको। उसके ही साथ नीचे उनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं,
टू नो, टू शो द वे, टू गो, टू लिव, टू हैव बिलीफ और कॉन्फिडेंस. ठीक है, अब अगर आपको, आपने पढ़ा है ध्यान से, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्वेल का मीनिंग क्या होता है, ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, लीड का मीनिंग क्या है. और ये मीनिंग्स करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ये जो पांच वर्ड्स दिए हैं इनमें से उठा के इनके सामने लिखने हैं. जैसे ड्वेल का मीनिंग होता है टू लिव, तो ये नीचे टू लिव दिया गया है, आपने सिर्फ इसके सामने लिखना है. ट्रस्ट का मीनिंग होता है बिलीफ और कॉन्फिडेंस, वो सामने दिया है, वो आपको उसके सामने लिखना है. एंड लीड इज़ द टू शो द वे, वो आपने उसके सामने उठा के लिख देना है. ठीक है, इस तरह एक और पैसेज आपको पोइट्री से आएगा. जिस तरह ये रीडिंग सेक्शन में एक पैसेज आया पोइट्री से, फिर से आपको एक पैसेज आएगा पोइट्री का. मैंने आपके साथ जो फर्स्ट पैसेज डिस्कस किया पोइट्री का, मैंने प्रेयर पोएम से लिया है, लेकिन आपको वो किसी भी पोएम में से आ सकता है. अब अगला पैसेज जो पोएम में से है, यहाँ मैंने लिया, इस जो क्वेश्चन पेपर में लिया गया है, दैट इज़ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड एंड थॉट अवे. ये किस पोएम का है? माई मदर एट 66. जैसे ये एक दिया गया है पैसेज, कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, कोई पैसेज भी आ सकता है. अब उसके जो क्वेश्चन आंसर उस पैसेज के अकॉर्डिंगली पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पे ये वाला पैसेज लिया, अब इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे ये क्वेश्चन है ए पार्ट, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर. आपने समरी अगर इसकी सुनी है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पोएम का पोइट या पोइटस कौन था. तो इस पोएम की पोइटस थी जो कि अपनी माँ के घर गई थी और वो वहाँ से वापस कोचीन जा रही थी. एयरपोर्ट तक गाड़ी में वो अपनी माँ के साथ बैठ के गई थी. आप मेरी वीडियोस की समरी दोबारा ज़रूर देखिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा द पोइट वॉज ड्राइविंग टू कोची फ्रॉम हर मदर्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट. हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन बैठा था उसके पास? हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर. बस इतना सा आंसर लिखना है, ये आपको 2 मार्क्स का आएगा. वॉट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, उसने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया? तो देखो बच्चे, यहाँ ऊपर लाइन दी गई है, अगर आपको खुद से कुछ याद नहीं रहता आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं नीचे. डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन, मतलब कि उसको ये रियलाइज हुआ कि उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया है किसी डेड बॉडी की तरह. एंड थर्ड इज मीनिंग डोज एशन, डोज का मीनिंग टू हैव अ लाइट स्लीप और एशन इज पेल फेस. ठीक है, इस तरह ये जो ए बी पार्ट्स आपको 2 2 मार्क्स के आएंगे और नीचे जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको 1 नंबर के हैं. ये आपका फिर से मतलब आपके 2 पोइट्री से पैसेज हो गए. उसके बाद 1.4 पार्ट, आप यहाँ पे फिर से एक आपके पास पैसेज आया है. अब दिस टाइम द पैसेज इज फ्रॉम प्रोज सेक्शन. 2 पैसेज आपको पोइट्री के आने हैं, 2 आपको प्रोज से आने हैं, लेकिन फिर वही बात है कि किसी भी कहानी का कहीं से भी आ सकता है. आपको रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, रीडिंग किए बिना आप मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. आप देखिए, जैसे ये पैसेज है, आई रीड द पैसेज. आई एम सिक ऑफ मिस बिंगले, क्राइड हिज वाइफ. आई एम सॉरी टू हियर दैट, व्हाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर. इफ आई हैड नोन एज मच दिस मॉर्निंग आई सर्टनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम, बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट. वी कैन नॉट एस्केप द एक्वेंटेंस नाउ. The astonishment of the ladies was just what he wished, that of Mrs. Bennet surprising the rest. How good it was of you, my dear Mr. Bennet, she said, but I knew I should persuade you at last. I was sure you love your girls too well to neglect such an acquaintance. Well, how pleased I am, and it is such a good joke too, that you should have gone this morning and never said a word about it till now. This is the passage. ठीक है, अब आपको ये गेस करना है कि ये पैसेज कौन से लेसन में से है. तो आप देखिए, यहाँ पे मिस्टर बिंगले का नाम आया है, तो आपको याद आया कुछ?
ये एन एक्सीलेंट फादर से लिया गया है। ठीक है, जिस तरह ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए पोएट्री सेक्शन में से, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द वर्ड्स दिए गए हैं, आपको वो करने हैं। जैसे यहाँ पे मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ कॉलम बी, सर्टनली पर्सुएड एस्टोनिशमेंट प्लीज्ड। ठीक है, अब आपने इनको मैच करना है सरप्राइज डिलाइटेड डेफिनेटली कन्विंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैच आपको अगर आपने पढ़ा है आता है तो आप बड़ी आसानी से इसे मैच कर लेंगे। सर्टनली इज डेफिनेटली, पर्सुएड इज कन्विंस, एस्टोनिशमेंट इज सरप्राइज एंड प्लीज्ड इज डिलाइटेड। ओके बेटा, ये आपको 4 है ना, तो ये आधा आधा नंबर का आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसी पैसेज में से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी 4, जो आपको खुद से पूरी करनी है ये पैसेज पढ़कर। फिलिंग द ब्लैंक्स, मिस्टर बेनेट टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैड डैश मिस्टर बिंगले इन द मॉर्निंग। मिस्टर बेनेट वांटेड डैश हिज वाइफ एंड हिज डॉटर्स। मिसेस बेनेट वॉज वेरी डैश टू हेयर दैट शी टोल्ड हर डॉटर्स दैट दे हैड एन डैश फादर। आपने पैसेज पढ़ा, इसी पैसेज में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे पहले में आएगा मेट, सेकंड में आएगा वांटेड टू सरप्राइज, टू मेक सरप्राइज हिज वाइफ एंड डॉटर्स। थर्ड में आएगा वाज वेरी सॉरी, और फोर्थ में आएगा एक्सीलेंट फादर। तो ये आपका एक पैसेज प्रोज में से आया, ये तो पता चल गया आपने एक्सीलेंट फादर में से। फिर से एक और दो पैसेज प्रोज, दो ही पैसेज आपको पोइट्री से ए सेक्शन में। ठीक है, अब ये पैसेज एक और है, आई रीड द पैसेज। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउ एवर एंड वन ऑफ दम पुट मी इन टच विद शाहिद इन 1998-1999। वी हैड सेवरल कन्वर्सेशन ऑन द फोन एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, बट वी वर नो मोर देन एक्वेंटेंसेज अंटिल ही मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड वी बिगेन टू मीट फॉर ओकेजनल मीट्स एंड क्विकली डिस्कवर that we had great deal in common by this time. Of course, Shahid's condition was already serious, yet his illness did not impact the progress of our friendship. We found that we had a huge roster of common friends in India, America and elsewhere. We discovered a shared love of Rogan Josh, Roshan Ara Begum and Kishore Kumar, a mutual indifference to cricket and an equal attachment toward Bombay. So, ye maine passage padha, ab isme se phir se aapko kya aayega, filling the blanks. वी हेयर रेफर टू डैश एंड डैश, ये आपने पैसेज सुना, पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन सी कहानी में से है। तो ये है जब शाहिद का नाम आया और वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन, कि हमारे कुछ दोस्त कॉमन थे, तो हमें झट से कौन सी कहानी याद आई, द घाट ऑफ ओनली वर्ड, जिसमें उसकी डेथ हो जाती है कैंसर से। और ये वी जो था ये पोइट अपने लिए रेफर कर रहा था, अपने लिए बात कर रहा था। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लिखोगे वी हियर रेफर टू डैश एंड डैश में पोइट एंड शाहिद हिज फ्रेंड। ठीक है, दे हैड मैनी डैश फ्रेंड्स इन इंडिया। अगर आपको मुश्किल आए तो आप पैसेज में से ये वर्ड ढूंढ सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स। थर्ड इज दे शेयर आवर लव ऑफ डैश एंड किशोर कुमार, यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें शेयर करते थे ये भी आपको इस पैसेज में दिखेगा। लव ऑफ रोगन जोश एंड किशोर कुमार, रोशनारा बेगम एंड किशोर कुमार। देयर आफ्टर दे हैड डैश टू क्रिकेट, दे हैड अ म्यूचुअल इनडिफरेंस टू क्रिकेट, ये सारे वर्ड्स आपको इस बुक में से दिख जाएंगे, आप मतलब कि आपको पैसेज में दिखाई दे जाएंगे। और लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज दे हैड डैश टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, तो यहाँ पर ये वर्ड भी दिया गया है पैसेज में, एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे, तो आपने ये भर देना। तो इस तरह बेटा ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, ए सेक्शन जो आपको एग्जामिनेशन में आएगा। अब इसमें आपको कोई मुश्किल लगी, क्योंकि इसमें सिर्फ दो पैसेज थे, दो पोएम में से थे, दो प्रोज में से थे, सिर्फ बात है आपकी रीडिंग की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी पोएम या कौन से कहानी में से ये पैसेज हैं।
तो लर्न करने वाला तो इसमें क्या है, सिर्फ रीडिंग ही ज़रूरी है। रीडिंग से या आप मेरी सभी वीडियोस की जो समरी वाली वीडियोस हैं उन्हें दोबारा से देखिए, आपको याद आ जाएगा ये कौन कौन सी वीडियो है और कौन कौन से लेसन की है, और वो आपको बहुत बेनिफिट भी होगी आपके लिए। ठीक है, अब मैं बात करूँगी सेक्शन बी की, दैट इज़ राइटिंग स्किल। इसमें मैंने आपको बहुत बार आपसे बात शेयर की कि इसमें चार चीज़ें आती हैं, स्पीच, लेटर, मैसेज और नोटिस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये दिया गया है आपको नोटिस 2.1 और 2.2 में ये मैसेज दिया गया है, पुट द मैसेज इन द बॉक्स, ऊपर भी है द नोटिस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। नोटिस बीच में छोटा सा ही हो। अब यहाँ ये जो नोटिस पूछा गया है कि ड्राफ्ट नोटिस टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्मिंग द बैच होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन फॉर अ मीटिंग। ठीक है, आपने वो बॉक्सेस जो मैंने आपको बता रखे हैं कि आपको बॉक्सेस तो बनाने ही बनाने हैं, और जो इसकी लैंग्वेज है वो भी आपने अपने आप से लिख के इस नोटिस को कंप्लीट करना है। और उसके बाद मैसेज है, मैसेज तो आजकल कौन सा बच्चा ऐसा है जिसे मैसेज लिखना नहीं आता। जिस तरह आप फ़ोन में मैसेज लिखते हो इसी तरह आपको ये मैसेज लिखने हैं, सिर्फ बॉक्स डाल के। और यहाँ पे क्या मैसेज पूछा गया है, श्री आर के पठानिया प्रिंसिपल ऑफ क्रिसेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जानीपुर जम्मू आस्क हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट अ मैसेज ऑन हिज बिहाफ फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोट्स। मतलब कि ये पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसको यूज़ करके आपको ड्राफ्ट ये करना है, मैसेज या नोटिस बनाना है। ठीक है, अब इसमें यह भी दिया गया है, ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ कमिंग द स्कूल विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म इनडिसिप्लिन क्रिएट दे अपॉन ऑल क्लास रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग स्टाफ सेक्रेटरी टू अटेंड द मीटिंग। इस तरह ये आपको करना। उसके बाद आ गया आपका लेटर। लेटर इन्होंने यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा इसमें पूछा है, कौन सा, अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। और ये शायद आप लोग सिक्स क्लास से इस लेटर को करते आए हो, इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एंड 2.4 इज स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे ये 9 क्लूज दिखाई दे रहे हैं आपको, क्लूज भी दिए गए हैं ऐसे के, या स्पीच जिसे आप बोलते हो, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे ये आ सकता है। यहाँ पे इस पेपर में पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है तो मैं इसलिए उनका नाम ले रही हूँ। अब जैसे ये हिंट्स दिए गए हैं, बॉर्न ऑन नवंबर 14, एजुकेशन एट हैरो स्कूल, रिटर्न टू इंडिया, प्रैक्टाइज लॉ फॉर सम टाइम, ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंप्रेशन 9 टाइम्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, डिड नॉट शेयर गांधी जीज बिलीफ इन पैसिव रेजिस्टेंस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नोन एज द फादर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो इस तरह ये कौन सा सेक्शन आया आपका, बी सेक्शन। अब बात करते हैं हम सी सेक्शन यानी लिटरेचर की। ये आपका जो सेक्शन है ये क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन है, सी सेक्शन। आप लोग मतलब इसमें कोई जो ये लेटर, ये सॉरी जो स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पहले इंटरनल चॉइस तो सभी क्वेश्चंस में होगी, हो सकता है इस बार वो टोटल वो पूरा ना करके यहाँ से ही सीधा कर दें कि अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस, या कहीं और से काट के ऐसे कर दें। अदरवाइज पैटर्न यही है, सिर्फ अटेम्प्ट आपको 70 मार्क्स का करना है। तो बात कर रहे थे लिटरेचर सेक्शन की, इसमें जैसे 3.1 पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन हु टेक्स ओवर नीदरफील्ड पार्क, वाई इज मिसेस बेनेट हैप्पी अबाउट इट, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर इज ड्यूक हु सेज दिस एंड अबाउट होम। इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। अगेन पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी पापाजी मौत, और हाउ डिड शाहिद फेस डेथ, डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन। ये दो क्वेश्चंस जो हैं पापाजी मौत की, जो एलिमेंट आयरनिकल एलिमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वीडियो, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शाहिद के लेसन की घाटा फॉरनी वर्ड भी शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, इनमें से आपको एक करना है। उसके बाद बात करेंगे 3.3 सेक्शन की।
रीड द पोइम फ्रॉम आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स एंड पिक आउट द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्कस पीस एंड वॉर इन द पोएम. ये जो पोएम है आपकी फ्रॉम आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, इसमें से आपको इमेजेस बतानी है कि इमेजेस क्या क्या यूज़ की गई हैं. उसके बाद 3.4 पे व्हाट इमेजेस डज द पोएट ड्रॉ फ्रॉम द ब्लैकस्मिथ शॉप इन हिज पोएम स्पीक अप. स्पीक अप पोएम में क्या चाहता है पोएट? ब्लैकस्मिथ होता है लोहार की दुकान से, ठीक. एंड उसके बाद चॉइस 3.5 पे अगर हम आए, पांचवा पार्ट, व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट पोएम एंड इवनिंग वेट विद रेन और व्हाट सफरिंग्स टू द एनिमल्स अंडरगो इन द पोएम स्नो ड्रॉप. इनमें भी चॉइस है. 3.6, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटालिडास रियून, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट और ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ भोलीज पेरेंट. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने शायद तब भी यही कहा था कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटालिडास रियून, आप पूरा मटालिडा का कैरेक्टर लिख दीजिए, पूरी स्टोरी लिख दीजिए जो आपने एक क्वेश्चन की याद की है. और मैंने आपको बोला था वो थीम में भी काम आएगा, कैरेक्टर में भी काम आएगा, और ऐसे भी आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी काम आ जाएगा. अंडरस्टैंड. उसके बाद आ गया शॉर्ट पैराग्राफ ऑन जनरेशन गैप और आयरोनिकल एलिमेंट्स फ्रॉम डस्क. अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी उसमें भी मैंने आपको बोला है आयरोनिकल एलिमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जनरेशन गैप भी अभिलेख कहानी का. देखे बेटा, मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ ना, मुझे एक एक वर्ड से पता चल जाता है कि जैसे जनरेशन गैप जब हम नाम सुनते हैं तो याद आ गया जी ये अभिलेख कहानी से था. अभिलेख क्या थी? वो दादी थी, दादी जो अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, और वो उसको जब वो मतलब भूचाल कहीं आया था उसे डर था कि उसे नुकसान पहुंचेगा. ये उसमें से लिया गया है. ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि आपको करना ही करना है जनरेशन गैप वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन मेरी कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है उसमें भी मैंने आपको बोला है कि या लोमोव का कैरेक्टर आप कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज चुपकोव या नटालिया में से कोई ना कोई कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ चॉइस किस चीज़ की होगी, चाहे वो फर्स्ट क्वेल आए चाहे वो सेकंड क्वेल आए. तो यहाँ पे दी गई है सेकंड क्वेल. गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकंड क्वेल इन द प्ले द प्रपोजल. तो ये आपका सी सेक्शन था, यानी लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे. अब आता है ग्रामर पोर्शन, डी सेक्शन. कुछ बच्चों के लिए ये बहुत टफ है, कुछ के लिए ये बहुत इजी है. बट बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग पोर्शन है, क्योंकि अगर आप ये पूरा करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं से मार्क्स के काटे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है. क्योंकि ग्रामर जो है वो अगर आपकी सही होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. बाकी वाला जो है, जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, आपने ऐसे लिखा होगा, लेटर लिखा होगा, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा है तो आपको मिलेंगे 7 में से 7, अदरवाइज आपके मार्क्स काटे जाते, ठीक है. तो आपको वो अब खुद डिसाइड करना है कि हमें हमारी पकड़, हमारी ग्रिप कौन से पोर्शन पे ज़्यादा है, हम उसको ही ध्यान से करें. अब देखिए बेटा, ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आते हैं आपको डायलॉग्स. मैं एक डायलॉग्स की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये आते हैं आपको 3 मार्क्स पे. एक डायलॉग दिया, एक आंसर दिया जाता है, उसी आंसर को देख के आपने क्वेश्चन बनाना होता है. फिर आ गई आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए, एन या द, इसी में से आते हैं आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर. तो यहाँ पे आया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे क्या आएगा आर्टिकल द. और डैश एप्पल अ डे किस द डॉक्टर अवे, यहाँ पे क्या आएगा एन एप. तो इस तरह यहाँ पे आपने आर्टिकल से फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है. उसके बाद 4.3 पार्ट में आ गया आपका एडिटिंग. एडिटिंग मींस जैसे फ़ोन में कभी कभी आप किसी नंबर को एडिट करते हो, ठीक करते हो, तो यहाँ भी वही हिसाब है. आपको यहाँ पे गलतियाँ दी जाएंगी, आपको उनको ठीक करना है.
और ये आपको आएगा 4 मार्क्स का, आधे आधे नंबर के ये 6 होंगे, ठीक। 4.4 पार्टीज चेंज इन द फॉर्म ऑफ नरेशन, डायरेक्ट इंटरनेट भी आता है। 4.5 इज कंप्लीट द फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। अब ये जो 2 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये आपने प्रोनाउन से भरनी है। फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स हैं विद सूटेबल मॉडल्स, ये मॉडल से भरनी है। फिर है लास्ट वाला 4.7 वाले की बात कर रहे हैं, शी हैड गॉन फॉर डैश मेकअप, वो किस मेकअप के लिए गई है वो भी आपको इस पैसेज में ही दिखाई दे जाएगा। व्हेन वर यू डैश, ठीक है बेटा, आफ्टर होमोनिम्स देयर आर रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस की भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना भी आपके ग्रामर का सिलेबस है मैं ऑलरेडी मतलब कि मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। रिलेटिव क्लॉज की भी वीडियो अपलोड करी हुई है मैंने, तो ये 3 रिलेटिव क्लॉज आएंगे आपको 3 मार्क्स के, ठीक है। देन 4.9 इज रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं 3 मार्क्स के, ये आपको उल्टे सीधे वर्ड्स हैं उनको सीधे करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। और जो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है पंक्चुएशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अगर आपको पंक्चुएशन की नहीं नॉलेज है ना, कुछ नहीं आता आपको, आप सिंपल देखिए, इसमें पहला वर्ड कैपिटल डाल दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप डाल दीजिए, किसी का नाम दिया गया है उसे कैपिटल वर्ड से लिखिए, बीच में कहीं कुछ कहा गया है उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में रखिए, तो भी आपको एक आधा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह बेटा ये आपके पेपर का पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। तो आपको क्या करना है इसी हिसाब से पेपर करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ग्रामर पोर्शन में तो आप छोड़ दीजिए, बाकी वाले 3 पोर्शन कर लीजिए। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको ये वाला कंपलसरी है या वो वाला कंपलसरी है, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आफ्टर योर एग्ज़ाम्स देन ओनली आई विल बी देयर विद यू टू हेल्प इन एनी फील्ड। एग्जामिनेशन के बाद भी मैं आपसे बात करती रहूँगी किसी और टॉपिक पे भी, किसी और विषय पे भी, लेकिन जो बच्चे हैं मेरे ये मुझे सुनते रहें, जिस तरह ये सुनते आए हैं सुनते रहेंगे, और आई होप मैं आगे भी आपके कुछ काम आ सकूँ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।